नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने ही चैनल टॉप न्यूज़ पे। तो मैं हूँ आपके खास दोस्त गुड्डू अनुराग और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़। दोस्तों, शराब हो या बरदान, ये दोनों कभी व्यर्थ नहीं जाता। महाभारत तो हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं। क्या आप महाभारत के एक ऐसी विचित्र घटना के बारे में जानते हैं? एक शराब के वजह से सदियों से लेकर आज तक एक योद्धा धरती पर भटक रहा है। चलिए जानते हैं कि वह योद्धा कौन थे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो मिले सबसे पहले आपको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा में से एक थे। अर्जुन और कर्ण के बाद किसी ने ज़्यादा योद्धा को मारा तो वो है अश्वत्थामा। दरअसल जब अश्वत्थामा को जन्म हुआ तो उनके गले से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिनके कारण उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक अमूल्य मणि जड़े हुए थे, उन्हें शत्रुओं से रक्षा दिलाता था। युद्ध में अश्वत्थामा अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य के भाती कौरवों का साथ दिया। अश्वत्थामा एक वीर योद्धा था जिसने महाभारत के युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया, जिससे पांडवों हारते हुए नजर आ रहे थे। अश्वत्थामा और गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को परास्त कर दिया था कि श्री कृष्ण ने कपट नीति अपनाकर युधिष्ठिर से झूठ कहने को कहा। सारे युद्ध में यह फैला दिया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि मारा गया था वो अश्वत्थामा हाथी था। युधिष्ठिर से सत्य पुष्टि करने को कहा गया, उसने बताया कि अश्वत्थामा मारा गया लेकिन हाथी। श्री कृष्ण के शंखनाद करने की वजह से गुरु द्रोणाचार्य हाथी शब्द नहीं सुन पाए। तुरंत शोक में उसने अपना त्याग दिया। इस अवसर को लाभ उठाकर पांडवों ने गुरु द्रोण का सिर काट डाला। तो अश्वत्थामा को इस कपट नीति का पता चला तो उसने गुस्से में आग बबूला हो गया। उन्होंने युद्ध में कपट नीति अपनाने का फैसला किया और रात में सोते हुए द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सिर काट दिया। घटना से क्रोध में आकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को पीछा करने लगा। अर्जुन को पीछा करते देख अश्वत्थामा ने अर्जुन पर अचानक ब्रह्मास्त्र चला दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था लेकिन लौटाना नहीं। ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु के गर्भवती पत्नी उत्तरा की ओर मुड़ दिया, जिससे उत्तरा की मृत्यु हो गई। अबोध बालक और स्त्री की हत्या अधर्म है, यह कहकर श्री कृष्ण अश्वत्थामा के माथे पर जरामणि निकाल लिए और उसे कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दे दिए। इस श्राप के वजह से अश्वत्थामा आज भी धरती पर भटक रहा। मध्य प्रदेश के बरहानपुर असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में प्रतिदिन बेलपत्र और ताजा फूल से पूजा सबसे पहले किया हुआ होता है। माना जाता है कि यह पूजा कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा ने किया है। शिव मंदिर के स्थानीय लोगों ने अश्वत्थामा को पूजा करते देखने का भी दावा किया है। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।